एवरीवन, वेलकम टू सेक्शन। लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे होते हैं, ठीक है, उनका रेट क्या है, उनकी स्पीड किस स्पीड से होते हैं, ठीक है, फास्ट होते हैं या स्लो होते हैं। आज की क्लास में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब जो सब्सटेंसेस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है, तो अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो उनके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो लेट्स बिगिन विद द क्लास। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन इज डीकॉम्पोजिशन, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, देन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये बेसिकली 9 ऐसे रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब हम इनके बारे में डिटेल में वन बाय वन अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि कंबाइन करना, कंबाइन यानी कि दो चीजें ली और उनको इकट्ठे जोड़ दिया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी सेम वही है। इस रिएक्शन में जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को एक नए सिंगल सब्सटेंस में कंबाइन कर दिया जाता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे ए प्लस बी बिकम्स ए बी, एक ये सब्सटेंस ले लिया ए, एक सब्सटेंस ले लिया बी, दोनों मिलके क्या बन गए, ए बी। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है इक्वेशन की, तो ये इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं ये मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या थे, ऐसे रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होने पे हीट को इवॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें जो हीट है वो रिलीज होती है। तो इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं ये मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि जब इनके बीच में जो बॉन्ड है वो फॉर्म होता है तो उससे हीट जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो ऑल मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उसके पीसेस में ब्रेक कर देना, ठीक है, कहते हैं ना डीकम्पोज हो गया, सड़ गई है चीज, मींस कि वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में जब स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे बी सी, ठीक है, बी सी एक कंपाउंड है, वो बी और सी उसके सिंपलर पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, तो दिस प्रोसेस इज नॉन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि उसमें उस रिएक्शन को अकर करने के लिए एक एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, रेडिएशन के फॉर्म में हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, या इलेक्ट्रिसिटी को पास करके भी उसको डीकम्पोज किया जा सकता है, यानी कि उसको सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। कमिंग बैक टू द रिएक्शन, अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर उसको डीकम्पोज करना है तो उसके लिए क्या उसको रिक्वायरमेंट होगी, हीट की, विदाउट हीट के डीकम्पोज नहीं होगा। तो जितने भी डीकम्पोजिशन वाले रिएक्शन होते हैं उनमें एक एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से क्या पता चल सकता है, वर्ड डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पे बैठ जाना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समवॉट सिमिलर है। कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा के उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए है, ठीक है, ये कोई भी एक एलिमेंट है, दिस इज कंपाउंड,
ये एक एलिमेंट है एंड दिस इज कंपाउंड. तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा के उसे अलग कर देता है और यहाँ पे खुद उसकी जगह आके बैठ जाता है. ठीक है, यानी कि अगर इसका डे टू डे लाइफ में रिलेशनशिप, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड किसके उसमें रहता है कि उसके लड़की के बॉयफ्रेंड को हटा के खुद उसकी जगह ले ले, ठीक है, उसको डिस्प्लेस कर दे लड़की की लाइफ से और खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाए. ठीक है, तो इस डिस्प्लेस एलिमेंट भी क्या करता है, कंपाउंड में से उसके एक एलिमेंट को हटा देता है और खुद उसकी जगह आके बैठ जाता है. ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन से होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें एक एग्जांपल है, जैसे स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट. ठीक है, जिंक में अगर कॉपर सल्फेट में जिंक स्ट्रिप को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, जिंक जो है इस कॉपर को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह ले लेगा और उसको बेचारे को अकेला कर देगा. ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सिर्फ वही मेटल उसको रिमूव डिस्प्लेस कर सकता है जो मेटल उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है, जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी पिछले क्लासेस में, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, वो इजिली कॉपर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद उसकी स्पेस आके कवर कर लेगा. तो ये रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट में तो एलिमेंट रिमूव करता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, यानी कि ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है. ठीक है, ए क्या करेगा, वो बी को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा. और क्या होगा, जो बेचारे दो अकेले अकेले बच गए, वो क्या करते हैं, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं भाई उन्होंने तो हमें छोड़ दिया, अब हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि एक कंपाउंड का एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है और उसकी स्पेस ले लेता है, और जो दो बच जाते हैं वो भी एक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, तो दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या होता है कि दो नए कंपाउंड्स बन जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है कि सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में अगर सोडियम सोल्यूशन में उसको ऐड किया जाए तो एक वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट आर फॉर्म्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, अगर इसमें सोडियम सोल्यूशन यानी कि NaCl ऐड किया जाए तो क्या होगा, सिल्वर जो है ये NaCl को हटा Na को हटा देगा. ठीक है, और खुद उसकी जगह के बैठ जाएगा, यानी कि ये बन गया सिल्वर क्लोराइड. प्लस अब बेचारे ये इसको इसने हटा दिया, ये अकेला हो गया और इस सिल्वर ने इसको छोड़ दिया, तो क्या करेंगे, ये दोनों भी कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, सोडियम नाइट्रेट. तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो नए कंपाउंड जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं. अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, उसमें सॉरी यहाँ पे डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट आएगा. अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जो दूसरे में डिजोल्व नहीं होता. अगर ये दोनों एक दूसरे में डिजोल्व हो जाएंगे तो कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा. तो ऐसा होना चाहिए कि एक कंपाउंड जो है वो दूसरे में डिजोल्व नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट जो रिएक्शंस आते हैं वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं, जिसमें अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है. ठीक है, कोई भी एक सब्सटेंस है जैसे उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, अगर उसी सब्सटेंस में से या कोई और सब्सटेंस में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन तो ऐड हो रही है लेकिन हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो वो दोनों रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, अब रिडक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन हो गए. अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उस रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, अगर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. ठीक है बच्चे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन
रिमूव होती है। एक ही याद कर लो, दूसरे वाला तो आपको पता है कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अब जो ऑक्सीडेशन है, हमने पढ़ा कि रिडक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइंडली रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। जो रेड है इट स्टैंड्स फॉर रिडक्शन और जो ऑक्स है इट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, अगर इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड की जाए तो वो क्या बनेगा? कॉपर मेटल, एक कॉपर बन जाएगा और प्लस वाटर। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस कॉपर ऑक्साइड में से और यहाँ पे कॉपर है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगी। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, यानी कि इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ? रिडक्शन रिएक्शन हुआ। ठीक है, और इस हाइड्रोजन में देखिए क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद क्या बन गया? वाटर बन गया। इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है दैट इज रिडक्शन, और जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, और जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है उसे बोलते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस, यानी कि कॉपर ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, अब इसमें आता है नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या होते हैं? इट गिव्स ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को या तो ऑक्सीजन देता है या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखा जाए, अब ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, वो अंडरगो तो रिडक्शन कर रहा है कि वो ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन वो रिडक्शन रिएक्शन होगा, लेकिन उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोला जाएगा। तो इसके ठीक ऑपोजिट जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो या फिर या कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस और गिव हाइड्रोजन टू इट। ठीक है, जैसे अब ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इसको हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है तो ये वाटर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो एक तरह से क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो दिस वाज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडाइज्ड भी होते हैं और रिड्यूस्ड भी होते हैं। ठीक है, तो उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। यानी कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है, और रिड्यूस भी हो रहा है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो रही है। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? बोथ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय दैट एंटिटी। यानी कि वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉस्फरस का एग्जाम्पल लिया गया है। फॉस्फरस में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो दिस रिएक्शन बिकम्स प्लस PH3। अब देखा जाए इस फॉस्फरस में यहाँ पे ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब इसी पीए में फॉस्फरस में जो हाइड्रोजन है वो भी ऐड हो रही है। ठीक है, अब किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो किसके अंडरगो करता है? वो रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। ठीक है, पीछे पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो दैट इज रिडक्शन रिएक्शन।
अब ये जो फॉस्फोरस है ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये कौन सा रिएक्शन होता है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड बाय साइड चलती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एसिड और जो एक बेस है मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेस ले लिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस प्लस इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया, दिस इज एसिड। तो बेस और एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, दिस इज सॉल्ट। ठीक है, सोडियम ने इसको यहाँ से रिमूव किया और उसकी स्पेस ले ली, सोडियम क्लोराइड बना लिया सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड और एक बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बी ने काट लिया, किसी मधुमक्खी ने काट लिया, तो उसके ऊपर जो घर में जो बेकिंग सोडा होता है जो खाने में डालते हैं उसको लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उसका जो एसिड होता है, क्योंकि बी स्टिंग में एक एसिड होता है वो एसिड हमारी बॉडी पे रिलीज करता है, तो अगर उस पर बेस डाल लिया जाए तो जो उसका इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, एसिड और बेस मिलके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि उसको खत्म कर देते हैं, बैलेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस आउट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल से मतलब पता चल रहा है कि वो रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि वो वापस अपनी फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन जो दोनों वेज चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, तो सी और डी रिएक्ट करके ए बी भी फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे आइस है, आइस को कूल करने पे वो फ्रीज हो जाती है और उसको हीट करने पे वापस वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, अगर उसको वापस कूल किया जाए तो वो वापस आइसक्रीम बन जाएगी। तो यानी कि वो दोनों डायरेक्शंस में रिएक्शन हो रहा है, तो दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज ऑपोजिट ऑफ रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इररिवर्सिबल सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ही चलता है, यानी कि अगर एक बार रिएक्शन हो गया तो वापस वो अपने प्रोडक्ट्स जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी फॉर्म में प्रोडक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मिल्क है, मिल्क में अगर बैक्टीरिया ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो चीज या कर्ड की फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वापस उस कर्ड को मिल्क बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो रिएक्शन कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस अपने रिएक्टेंट्स फॉर्म में वापस नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो ये थे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो आज के क्लास में इतना ही था। रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम, जैसे मैं हर टाइम बोलती हूँ, क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके एक बार उसका आंसर खुद करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपको आज की क्लास में कितना समझ में आया। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। या तो ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए या हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडक्शन, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन, और इट्स नन ऑफ द अबव। द आंसर इज इट्स सी, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोस रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उन रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंबशन, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन। द आंसर इज इट्स बी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, द केमिकल रिएक्शन इन विच ओनली वन सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड। कह रहे कि एक सब्सटेंस बोथ ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड बी, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इनडाइजेशन too much of acid is produced inside the stomach resulting in stomach disorder or acidity. In order to retrieve the pain, milk of magnesia which contains the base is taken.
दिस रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि कभी कभी एसिडिटी हो जाती है कि स्टमक जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिससे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उस पे दर्द को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, जो एक बेस फॉर्म में होता है। तो एक केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है, जिसमें जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, ठीक है, जिससे स्टमक पेन में रिलीफ मिलता है। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन को ये जो सिचुएशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है? कंबशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन और नन ऑफ द अबव। द आंसर इज इट्स सी, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।